प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बात कर रहा था इस हवाले से कि आज अगर वॉशिंगटन डीसी से इजरायली ज्यूज को निकाल दिया जाए, भारतीयों को निकाल दिया जाए, तो अमेरिका एक दिन में बैंकरप्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये आप तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अमेरिका बिल्कुल दे रहे। उसकी वजह यह है कि बाबा जी बाइडन का स्पीच राइटर भी इंडियन है और उसके बाद व्हाइट हाउस का जो सोशल प्रमोटर है, उनका जो मीडिया प्रमोटर है, वो भी भारतीय है। और दूसरा 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट तो व्हाइट हाउस की है। उससे आगे चलते हैं जब देखते हैं कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेडएक्स हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड बैंक जो है, जो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, वर्ल्ड का पूरा बैंक है, उसको वो अपना अजय भंगा चला रहा है। उन्होंने कहा जी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इसके जवाब में, इस वक्त दुनिया का हर आईटी स्टार्टअप कहां से शुरू हो रहा है? इजराइल से शुरू। दूसरा, गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने जाके वादा किया है, दोनों भारतीय निजात लोगों ने, कि हम भारत में 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे। उन्होंने ये वादा अमेरिका से क्यों नहीं कर लिया? चलाते तो वो अमेरिकन कंपनी है, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, कहते हैं मैथ बेस्ड, ये सारे नशा करके, ये सारे गांजा पी के बैठी सारी कौम, तो वो सारे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे ना स्पेशलिस्ट। तो फिर अगर ये सारी चीजें हैं तो निकाल दिया जाए तो खत्म है गेम। चलाने वाले तो इनको इस वक्त वही है। हाँ, उनको मैं ये जरूर ये कहूंगा, मैं बिल्कुल गलत कई दफा मतलब लोग ले जाते हैं इसमें यार, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं जो भी करो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करो। बड़े अरसे के बाद इस पॉइंट पे भारत पहुंचा है, मैं खुश हूं इस चीज पे, लेकिन इसको सस्टेन किस तरह करना है? एक कहते मेरी नजर में, मैंने कई चीजें देखी है, तरक्की करना भी इतना मुश्किल नहीं है, उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको उस रीजन के अंदर चाइना अपने मसल फ्लैक्स कर रहा है वहां पे। अब कल की बात ले ले, बल्कि हम आगे चल के ये भी बात करेंगे, प्रेसिडेंट शी इज इन फ्रांस, बल्कि कल की बड़ी बात यह है कि कल चाइना के जेट्स जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर के ऊपर अपने फ्लेयर छोड़े और वो मसल फ्लैक्स करता है चाइना। फिलिपीन के ऊपर मुसलसल उनके जो शिप्स हैं वो हमले कर रहे हैं उनके शिप्स के ऊपर। और इस वक्त प्रेसिडेंट शी जो है वो इज इन फ्रांस। उसकी वजह यह है कि एक हफ्ता पहले ही जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है उन्होंने स्पीच दी है कि फ्रांस इज नॉट अ वेसल ऑफ अमेरिका। और उसके बाद दो मुल्कों में वो जा रही है और ये 2019 के बाद पहला ट्रिप है प्रेसिडेंट शी का, फ्रांस का पहला कोविड के बाद। और उसकी बड़ी वजह यही है कि फ्रांस जो है वो ऑलमोस्ट अमेरिका से भागी हो चुके और वो उस पे कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और उसके बाद दो मुल्कों के अंदर वो जाएंगे, सर्बिया के अंदर जाएंगे और हंगरी के अंदर जाएंगे। सर्बिया वहां पे जो बलग्राद के पे हमला हुआ था उसकी एनिवर्सरी आ रही है, 1999 में May 7 को वहां पे जो हमला हुआ था चाइनीज पे, उस एम्बेसी पे, वो उसकी एनिवर्सरी पे जाएंगे वहां। और फिर उसके बाद हंगरी में जाके इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनी एक वो प्लांट लगा रहे हैं, उसका इफ्तिताह करेंगे। तो दर हकीकत ना सिर्फ एशिया के अंदर वो अपने मसल फ्लैक्स कर रहे हैं, वो यूरोप को भी टच कर रहे हैं। अब वो आप अपने लोकल देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अमेरिका तो खैर इस वक्त डाउन, बिल्कुल डाउन है, फ्री फॉल पे है। आज इनके चीखने के बावजूद इजराइल ने राफा के ऊपर अटैक शुरू किया, फलस्तीन का और जो इजिप्ट का एंट्री पॉइंट है रफा का क्रॉसिंग, उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। ये यहां से ये पता नहीं, मुझे तो लगता है ये टोपी ड्रामा करते हैं ये डेमोक्रेट। उधर से उनको कहते हैं भाई, जिस तरह आपके जरदारी साहब कहते थे भाई आप तुम ड्रोन अटैक करते रहो, आप मुसम्मत करते रहेंगे, शायद मुझे लग रहा है ये भी टोपी ड्रामा। बच्चों को ओबामा ने कहा है सड़कों पर निकलो तो झंडे जलाओ और फलस्तीन करो, उधर से चुप कर जाते। उधर साथ उनको इसराइल को दे दिया इन्होंने, पैसे भी दे रहे हैं कि आप हमले में जा रहे हैं और फ्री हैंड भी दिया हुआ है कि वो जो मर्जी करते रहे। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है टोपी ड्रामा, ये नूरा कुश्ती है सारी, मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है इसमें तो। लेकिन आज जो मैं बिलखसूस बात करना चाह रहा था कि $79 बिलियन फ्रांस जो है मुसलसल
ट्रेड करता है भारत के साथ हर साल $79 billion इज अ बिग बिग स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम चाइना से डीकपलिंग नहीं चाहते लेकिन लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहते हैं। लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप किस तरह चाहते हैं? कोई चीज आपकी वहां कौन सी जा रही है? फ्रांस से वहां ट्रेड में क्या जाएगा? चाइना की तो हर चीज आ रही है पूरी दुनिया में, आप क्या देंगे? आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट शी उन्होंने, और दूसरा मैं खास कर यहां पे एक चीज देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा, इस वक्त प्रेसिडेंट शी और पुतिन दोनों को पता है कि उनके पास तकरीबन छह से आठ महीने तक है, क्योंकि डाउट ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। मुझे लगता नहीं है क्योंकि FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपनी पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से इनको अरेस्ट कर लिया जाए, इनको डिमोरलाइज कर दिया जाए। आज अदालत के अंदर न्यूयॉर्क में ऐसी ऐसी बदतमीजी की बातें वहां की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिठा के वहां कि आप सोच नहीं सकते। मैं समझता हूं अगर कमजोर नर्व का आदमी हो, इंसान हो, वो छोड़ के भाग जाए सारा कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त ओबामा अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनको गंदा किया जाए, इनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाए, सारा कुछ किया जाए, अरेस्ट किया जाए, सब कुछ किया जाए। लेकिन फिर भी दुनिया जो देख रही है कि ये जो जितना दबाएंगे उसी तरीके से उतना फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन दुनिया डर रही है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर 6 मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे आगे मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, MBS भी बात कर चुके हैं। दुनिया को खौफ डर है इस चीज का, और मेरे ख्याल में दो चीजें होंगी उसके रिजल्ट में कि पुतिन भी अपनी स्पीड तेज कर देंगे अपनी जंग की यूक्रेन की, और चाइना भी अपने मसल फ्लैक्स करके ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे इस अमेरिका के इलेक्शन से पहले पहले। बिल्कुल ऐसे ये इसके खदशात मौजूद हैं, फायदा लोग उठाएंगे क्योंकि इस वक्त ओबामा जो अमेरिका चला रहे हैं इज वेरी कैलकुलेटेड। पुतिन साहब को पता है कि इनके इनके पल्ले क्या है, उन्होंने इनको सीरिया में भी ट्राई कर लिया है, उन्होंने इनको अफगानिस्तान में भी जलालत होते देख ली है। इस वक्त डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट चल रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी ब्रिक्स के 22-24 कंट्री नए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अपनी करेंसी की बात कर रहे हैं। पहले पेट्रो डॉलर था, अब पेट्रो युआन हो रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान अब बीजिंग मिल रहे हैं, सुलह उन्होंने कराई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमास और अल-फतह जो है वो भी दोनों बीजिंग में मिल रहे हैं, जो चीजें पहले कैंप डेविड में होती थी। दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका है, वो ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन। लेकिन आज जो नई बात आपको मैं बताना चाहूंगा जिसमें आखिरी पॉइंट वो ये था कि भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकॉट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में आपके, आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल पचगाना हरकते आप पहले करते रहे हो, उनके PM को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कंपेन चलाई थी, जब हमेशा जब इलेक्शन में कुछ जीतता था सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी है उनसे पैसे मांगे आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते, लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप। तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी कल अगले मैं आज बल्कि चाहता ज्यादा टाइम ना लूं, नेपाल की नई करेंसी आई है, उस नोट के ऊपर भी भारत के अंदर काफी भारत ने इतराज किया है, तो उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है इसका आरजू मैं एक ही बताऊंगा, पीछे इसके पीछे पैसा है और चाइना। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन सर ऋषि सोनक साहब की बात ना हो ऐसा तो आज मुश्किल होगा, इसलिए कि आपने देखा कि वो आजकल मुश्किल में है। वैसे मेरे बड़े फेवरेट रहे वो, लेकिन अब मुश्किल में आ गए वो लगता है। देखिए मैं
क्योंकि कंजर्वेटिव हूँ और वो खुद इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी बल्कि लेबर पार्टी के सादिक साहब जो है इलेक्शन फिर तीसरी दफा जीत गए हैं लंदन का। ऋषि सोनक के एक तो इलेक्शन होने वाला है दोबारा, इसमें देखा गया टोरी पार्टी शायद लूज कर जाए, हालांकि उसमें उन्होंने जो डिसीजन रिसेंटली लिया है इमिग्रेशन रिलेटेड, लोग अब इमिग्रेशन से बेजार है और बेजार होना भी चाहिए क्योंकि इस ज्यादा लोग जो है वार टॉर्न कंट्री से आते हैं और वार टॉर्न कंट्रीज कौन से हैं, ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, आते हैं वो इंटीग्रेट नहीं करते, लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, लोकल लोगों के साथ मेरे पास अब मैं एक गलत बात है क्रिश्चियन कंट्रीज में आके ही आते ही फौरन शरिया का शोर डाल देना, इस्लामिक बातें, भाई अगर इस तरह का शौक है तो मिडल ईस्ट में जाओ भी, मजदूरी करो वहां पे जहां लोग आपको पहले ही सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, आपको रहने वहां नहीं देते, काम शुरू करते हो तो पासपोर्ट पहले रख लेते हैं, यहां आपको वो फॉरेन पासपोर्ट नेशनैलिटियां दे देते हैं, लेकिन शुक्रगुजार ना होना ये ज्यादती है और लोग इस पे बेजार हैं पूरे यूरोप के अंदर, ना सिर्फ इस वक्त यूके के अंदर, हालांकि इन्होंने वहां पर रवांडा एक प्लान बनाया है जिसमें पता नहीं कितने बिलियन पाउंड देंगे वो रवांडा को, लेकिन जितने पॉलिटिकल असाइली होंगे उनको रवांडा में रखा जाएगा। कोशिश की है ऋषि सोनक ने कि इस तरीके से वो सिंपति गेन कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल है ऋषि सोनक साहब का बचना। लेकिन खूबसूरती यूके की ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वजीर आजम रहे ना रहे सिस्टम वैसे चलता रहेगा, ये उनकी जमहूरियत की खूबसूरती है। बजाय कि आपकी जमहूरियत के अंदर एक ही दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुर्शिद का हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के दरपे हो, उन्होंने तो हर चीज फाड़ के रख दी, लेकिन ये कि जमहूरियत वहां पे स्ट्रांग है मेरे ख्याल में। लेकिन ऋषि सोनक हैज डन अ वंडरफुल जॉब, ही इज माय फेवरेट, ही इज फेवरेट। और दूसरा मुझे फखर है इस चीज पे कि जिस इलाके से मैं खुद हूँ वहां की मट्टी है वो गुजरांवाला से उनके एंसेस्टर हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। और दूसरी सबसे बड़ा फखर मुझे इस बात का है कि ही प्रैक्टिस हिंदुइज्म, उन्होंने हालांकि ही इज बॉर्न साउथ अफ्रीका और सारी चीजें, मैं ये समझता हूँ जो भी जिसका मजहब हो उसको उसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम। बिल्कुल, और बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने रिलीजन के साथ साथ, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत शुक्रिया सर आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद आड़ा साहब का पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत के जो रिश्ते हैं बाकी देशों के साथ उनपे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया भारत और फ्रांस के रिश्तों के साथ, दूसरी ओर हमने देखा कि चाइना भी फ्रांस में कोशिश कर रहा है कि अपने रिश्ते मजबूत किए जाएं, और चाइना देखा हमने कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी अपनी जो पावर है, जो मसल्स हैं उसको फ्लेक्स कर रहा है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भारत के जो रिश्ते मालदीव्स के साथ खराब हुए थे, जिसमें आपने देखा कि मालदीव्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा, 42% की जो कमी है वो दर्ज कराई गई है, जिससे पूरा मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो बौखला गया, और मालदीव्स के मिनिस्टर खुद भारत चल के आए और भारतीयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मालदीव्स को विजिट करें। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जैसे कि आपने देखा लास्ट में उन्होंने बात की ऋषि सुनक की, और ऋषि सुनक पे हमें भी सबको प्राउड होना चाहिए क्योंकि वो चाहे साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हो, आज वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट फिर भी वो हिंदुइज्म को यानी कि सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।